गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कार्डन मैथड विच इज़ यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है और उसके हमने तीन रूट्स निकालने हैं तो वो तीन रूट्स निकालने का एक मैथड है कार्डन मैथड जिससे हम उसके तीन रूट्स निकाल सकते हैं लेकिन जो कार्डन मेथड है वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इक्वेशन की जर्नल फॉर्म हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना हो तभी हम कार्डन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में अवेलेबल हो हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होती है क्वेश्चन में तो उनसे डील करने के लिए हम कार्डन मेथड को तीन केसेस में स्टडी करेंगे उन तीन केसेस से हम देखेंगे कि कैसे हम कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशंस के रूट्स को निकालने के लिए तो हम पहला केस लेंगे दैट इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि पहले हम जर्नल केस ही लेंगे कि हमारे पास कार्डन मेथड की फॉर्म ही है मींस जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है सिंपल फॉर्म ही है उसमें हम डायरेक्टली कार्डन मेथड को अप्लाई करेंगे तो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि हम कार्डन मेथड को कैसे लगा सकते हैं ताकि उसके तीन रूट्स निकाल सके सो फर्स्ट केस इज ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी तो क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे विच इज़ एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस वन ट्वेंटी सिक्स ये हमारे पास क्वेश्चन है इसके हमने तीन रूट्स निकालने हैं तो so, सबसे हम पहले हम कहेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी हमने लेट कर लिया कि x इज़ इक्वल टू यू प्लस वी है हमने दोनों साइड्स पे क्यूबिंग कर दी दोनों साइड्स पे क्यूबिंग करेंगे वी विल गेट एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू यू प्लस वी का होल का क्यूब अगर होल का क्यूब है यहाँ पे हम होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे वी विल गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस थ्री यू वी यू प्लस वी बट हेयर वी नो यू प्लस वी इज़ एक्स सो वी विल पुट यू प्लस वी एज एक्स

ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी है ये हमने सेकेंड इक्वेशन मानी अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट है माइनस फिफ्टीन और यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट है माइनस थ्री यू वी वी विल गेट माइनस थ्री यू वी इज इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है माइनस वन ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सटेंट टर्म है माइनस यू क्यूब माइनस वी क्यूब यानी कि हमारे पास कंपेयरिंग से ये आ गया माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज वन ट्वेंटी सिक्स यू वी की वैल्यू हमारे पास फाइव आ गई क्यूबिंग करेंगे वी विल गेट यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज वन ट्वेंटी सिक्स अब हमें पता है कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है दैट इज टी स्क्वायर माइनस एस टी प्लस पी यहाँ पे एस रिप्रेजेंट करता है सम को और पी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को तो हम यू क्यूब और वी क्यूब के रूट्स को इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम उन दोनों का सम पुट कर दें और यहाँ पे उन दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू वी विल गेट टी स्क्वायर माइनस सम वॉज वन ट्वेंटी सिक्स सो माइनस वन ट्वेंटी सिक्स टी एंड प्रोडक्ट इज़ वन ट्वेंटी फाइव वहाँ यहाँ पे हम 125 पुट कर देंगे वी विल गेट द इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी सिक्स टी प्लस वन ट्वेंटी फाइव इज ज़ीरो इसके फैक्टर्स बनाएंगे ताकि हम टी हमें टी की वैल्यू मिल जाए जब हम फैक्टर्स बनाएंगे हमें मिलेगा टी स्क्र माइनस वन ट्वेंटी फाइव टी माइनस टी प्लस वन ट्वेंटी फाइव इज ज़ीरो टेकिंग टी कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी गेट टीज आउटसाइड एंड इनसाइड साइड टी माइनस वन ट्वेंटी फाइव माइनस वन अंदर बचेगा टी माइनस वन ट्वेंटी फाइव तो हमारे पास टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी टी वन एंड वन ट्वेंटी फाइव यानी कि ये हमारे पास यू क्यूब एंड वी क्यूब की वैल्यू आई है यहाँ पे हमारे पास यू क्यूब की वैल्यू वन आ गई वी क्यूब की वैल्यू वन ट्वेंटी फाइव आ गई यानी कि यू की वैल्यू वन एंड वी की वैल्यू फाइव हमने माना था एक्स इज इक्वल्स टू यू प्लस वी तो यू की वैल्यू वन है वी की वैल्यू फाइव है पुट करेंगे वी विल गेट एक्स वैल्यू एज सिक्स दैट इज़ वन प्लस फाइव एक्स इज सिक्स सो सिक्स इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन वन जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके हम हमने तीन रूट्स निकाले थे क्योंकि हमारे पास वो क्यूबिक इक्वेशन थी हमने उसके तीन रूट्स निकाले थे, थे हमारे पास एक रूट की वैल्यू आ गई सिक्स सिक्स जो है वो उसका एक रूट है बाकी दो रूट्स हमने निकालने हैं तो बाकी दो रूट्स अब हम हॉर्नर्स मैथड की हेल्प से निकालेंगे सी सिक्स हमारे पास जो एक रूट आया वो ही हम यहाँ पे लिखेंगे फिर हॉर्नर्स मेथड अप्लाई करेंगे हॉर्नर्स मेथड अप्लाई करने का तरीका होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में उसके कोफिशेंट्स थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे एक्स क्यूब का कोफिशेंट हमारे पास क्वेश्चन में वन था एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया और एक्स की टर्म के कोफिशेंट थे माइनस फिफ्टीन और कॉन्सटेंट टर्म थी माइनस वन ट्वेंटी सिक्स पुट करेंगे वन को एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख देंगे वन को ऐसे लिख दिया फिर सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स इंटू वन है सिक्स वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वन ऐसे लिख के सिक्स को मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई किया हमारे पास सिक्स आ गया सिक्स यहाँ पे लिख दिया इन दोनों को ऐड करेंगे ज़ीरो प्लस सिक्स इज सिक्स फिर सिक्स इंटू सिक्स इज थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हम यहाँ पे लिख देंगे थर्टी सिक्स माइनस फिफ्टीन इन दोनों को ऐड करेंगे थर्टी सिक्स माइनस फिफ्टीन दैट इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इज़ वन ट्वेंटी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी सिक्स इज ज़ीरो तो हमारे पास ये टर्म ज़ीरो बननी ज़रूरी होती है ठीक है तो हमारे पास फिर हम ये चीज़ आ गई यानी कि ये हमारे पास कॉफिशेंट्स आए हैं नई इक्वेशन के तो so, हम रिप मेनिंग रूट्स जो हैं वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू जीरो अब हमारे पास एक क्वाडिएटिक्वेशन बनगी उसके हमने जस्ट रूट्स निकालने हैं सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला ताकि हमें x की दो वैल्यूज मिल जाए यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएंगी एक वैल्यू हमें x की पता थी दैट वॉज सिक्स तो हमारे पास तीन रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे जैसे एक्स की हमने दो वैल्यूज निकालनी हैं हमने डिस्क्रिमिनेट वाला फॉर्मूला लगाया ए इज़ वन हेयर बी इज सिक्स एंड सी इज ट्वेंटी वन तो एक्स का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए वैल्यूज पुट करके इसी फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं तो मेरे पास आ गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर उक्वायर मीन्स थर्टी सिक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू इसे सॉल्व किया वी विल गेट एक्सेस माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस फोर्टी एट बाई टू कॉमन ले लिया हमारे पास आ गया माइनस सिक्स प्लस माइनस फोर रूट थ्री आयोटा ये जो माइनस है वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू माइनस वन होती है तो इसे हम आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो एक आयोटा बाहर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स प्लस माइनस फोर रूट थ्री आयोटा बाई टू तो x की दो वैल्यूज यहाँ से आ गई तो इससे हमारे पास तीन रूट्स निकल गए दैट इज सिक्स एंड माइनस थ्री प्लस टू रूट थ्री आयोटा एंड x इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू रूट थ्री आयोटा तीन रूट्स आ गए और हमने तीन रूट्स ही निकाले थे अब हम सेकेंड केस देखेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म हो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि जब हमारे पास x वाली टर्म ना हो सिर्फ क्यूब और स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट हो तब हम कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे ताकि हम कार्डन मेथड अप्लाई कर सकें और तीन रूट्स जो हैं वो क्यूबिक इक्वेशन क्वेश्चन के निकाल सकें अब इस केस में हम डायरेक्टली तो कार्डन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कार्डन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्वेश्चन की फॉर्म चाहिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आ, की जगह हमारे पास एक्स वाली टर्म होनी चाहिए तो यहाँ पे हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशनस लगाएंगे ताकि ये जो टर्म है वो कार्डन मेथड वाली टर्म में चेंज हो जाए और हम कार्डन मेथड को अप्लाई कर सकें तो ये हम एग्ज़ाम्पल यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म में हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन हमने ले लिया ट्वेंटी एट एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज़ ज़ीरो एज द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो टू ट्रांसफॉर्म इट इट इन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म वी फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसीप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम इक्वेशन को इस तरह चेंज करेंगे कि जो इसके रूट्स हैं वो रेसीप्रोकल हो जाए तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल टू वन प्लस एक्स एक नया वेरिएबल अज्यूम करेंगे y दैट इज इक्वल टू वन बाई एक्स जो कि वन बाई एक्स के बराबर हो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन बाई वाई यहाँ पर क्वेश्चन में जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ पे हम वन बाय वाई पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वन बन जाएगी ट्वेंटी एट बाई वाई क्यूब माइनस नाइन बाई वाई स्क्वायर प्लस वन इज ज़ीरो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी दैट इज़ वाई क्यूब माइनस नाइन वाई प्लस ट्वेंटी एट इज इक्व टू ज़ीरो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई और यहाँ पे अब हम कार्डन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं अब सिमिलर प्रोसीजर सारा चलेगा लेकिन अब हम जहाँ पर एक्स ले चल रहे थे अब हम वाई ले चलेंगे और यहाँ पर जो एंड पे हमने वैल्यू एक्स की ही निकालनी है तो वाई की वैल्यू निकालने के बाद हम लिख देंगे कि एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई है यानी कि वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स है तो वहाँ से फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी वाई क्यूब माइनस नाइन वाई प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल्स टू जीरो तो हम लेक like करेंगे वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस वी क्यूबिंग करेंगे वी गेट वाई क्यूब इज इक्वल्स टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस थ्री यू वी वाई लेफ्ट साइड में ले जाएंगे ये वाली टर्म्स को हमारे पास बन जाएगा वाई क्यूब माइनस थ्री यू वी वाई माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज जीरो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन हम मतलब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे यहाँ पर वाई का कॉफिशियंट है माइनस नाइन और यहाँ पर हमारे पास वाई का कॉफिशियंट है माइनस थ्री यू वी तो माइनस थ्री यू वी इज इक्व टू माइनस नाइन यानी कि यू वी की वैल्यू थ्री आ जाएगी और यू क्यूब वी क्यूब की वैल्यू ट्वेंटी सेवन आ जाएगी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है ट्वेंटी एट और यहाँ पे हमारे पास है माइनस ऑफ यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्व टू ट्वेंटी एट यानी कि यू क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस ट्वेंटी एट आ जाएगा अब हमें पता है कि यू क्यूब एंड वी क्यूब आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जो यू क्यूब है और वी क्यूब है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं यहाँ जहाँ पे एस रिप्रेजेंट कर रहे है सम को और पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट टी प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो इनके फैक्टर्स बनाएंगे हमारे पास आ जाएगा टी प्लस वन एंड टी प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो दैट इज़ टी की वैल्यू माइनस वन आ गई और टी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी सेवन आ गई दैट इज़ यू क्यूब और वी क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस वन और माइनस ट्वेंटी सेवन आ गई सो यू क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ गई एंड वी क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस ट्वेंटी सेवन आ गई यानी कि यू की वैल्यू माइनस वन एंड वी की वैल्यू माइनस थ्री हमने लैक किया था कि वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी तो यहाँ से यू और वी की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस फोर और हमने माना था एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन बाई फोर सो वी कैन से माइनस वन बाई फोर इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन वन जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका हमारा एक रूट की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस वन बाय फोर अब हम हॉर्नर्स मेथड लगाएंगे और बाकी दो रूट्स लेंगे माइनस वन बाई फोर और यहाँ पे हमने कॉफी लिखे जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन थी यानी कि इक्वेशन वन के हमने कॉफिशेंट्स लिखे दैट इज ट्वेंटी एट माइनस नाइन जीरो एंड वन ट्वेंटी एट को एज इट इज लिख लिया ट्वेंटी एट इंटू माइनस वन बाई फोर दैट इज माइनस सेवन इन दोनों को ऐड किया हमारे पास माइनस सिक्सटीन आ गया माइनस सिक्सटीन इंटू माइनस वन बाई फोर दैट इज फोर तो इन दोनों को ऐड किया हमारे पास फोर आ गया फोर इंटू माइनस वन बाई फोर दैट इज़ माइनस वन एंड पे ज़ीरो बन गया तो हम हम रिमेनिंग रूट्स को लिख सकते हैं दैट इज़ ट्वेंटी एट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें से हमने इसे फोर से डिवाइड कर दिया हमारे पास बनेगा सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज़ ज़ीरो अब हमने सिंपल जो इक्वेशन आई है उसके बाकी दो रूट्स की वैल्यू निकाल लेनी है दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस रूट ऑफ सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी एट बाई फोर्टीन एंड एक्स इज इक्वल्स टू इसे जैसे सॉल्व किया हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो हम लिख सकते हैं कि रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर माइनस वन बाई फोर टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई सेवन एंड टू माइनस आटा रूट थ्री बाय सेवन नाउ थर्ड केसेस इन विच द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि जिसमें सारी टर्म्स हो क्यूब वाली भी हो स्क्वायर वाली भी हो एक्स वाली भी हो और कांस्टेंट भी हो तब हमने इसके रूट्स निकालने हैं तो डायरेक्टली तो हम पता है कि कार्डन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते तो सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए अगर हमने कार्डन मेथड लगाना है हमने सेकेंड टर्म को रिमूव करना है तो सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए हम रूट्स को डिमनिश डिमनिश मीन्स कम करेंगे बाय एच एच फैक्टर से कम करेंगे अब हमने एच की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्वेश्चन ले लिया कि एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी थ्री एक्स प्लस एट फोर्टी सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो इस क्वेश्चन ये Uh, इस इक्वेशन के हमने रूट्स निकालने हैं सो टू रिमूव द सेकेंड टर्म वी डिमनिश द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय एच तो एच निकालने का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स बाय नंबर ऑफ रूट्स अब सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं जो हाइएस्ट पावर होती है ना उससे एक कम विल गिव अस द सम ऑफ रूट्स यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होगा वो सम ऑफ रूट्स के बराबर होगा सो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस फिफ्टीन सो माइनस ऑफ माइनस फिफ्टीन बाय नंबर ऑफ़ रूट्स मीन्स जो हाईएस्ट पावर है हाईएस्ट पावर हमारे पास थ्री है तो नंबर ऑफ रूट्स आर थ्री सो एच की वैल्यू हमारे पास फाइव आ गई अब हमारे पास एच की वैल्यू फाइव आ गई तो हम हॉर्नर्स मेथड अप्लाई करेंगे हॉर्नर्स मेथड हम अप्लाई करेंगे कि फाइव यहाँ पे हमने कॉफी लिख लिए जो हमारे पास इक्वेशन दी थी दैट इज़ वन माइनस फिफ्टीन माइनस थर्टी थ्री एंड एट फोर्टी सेवन वन को एज इट इज़ लिख लिया फाइव इंटू वन इज़ फाइव तो यहाँ पे फाइव इन दोनों को ऐड किया हमारे पास माइनस टेन आ गया माइनस टेन इंटू फाइव इज़ माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी माइनस थर्टी थ्री इज़ माइनस एट्टी थ्री इन दोनों को ऐड किया हमारे पास माइनस एट्टी थ्री आ गया फिर माइनस एट्टी थ्री इंटू फाइव इज माइनस फोर हंड्रेड फिफ्टीन इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया फोर थर्टी टू अब वन को फिर दोबारा से ऐसे सेम लिख लिया फिर फाइव इंटू वन इज फाइव टेन अब इन दोनों का ऐड करेंगे टेन माइनस फाइव माइनस टेन फाइव इज माइनस फाइव माइनस फाइव इंटू फाइव इज माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस एट्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव इज माइनस वन जीरो एट अब ये छोड़ देंगे यहाँ तक ही करना है फिर वन को दोबार से नीचे लिख लेंगे सेम एज इट इज़ वन इंटू फाइव इज फाइव माइनस फाइव प्लस फाइव इज ज़ीरो ऐसे आ गया फिर वन को ऐसे यानी कि हमारे पास जब हॉर्नर्स मेथड लगाएंगे तो हमारे पास जो सेकेंड टर्म होगी ये वाली वो हमेशा ज़ीरो बननी चाहिए तो ही हमारा क्वेश्चन सही होगा मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा या तो क्वेश्चन गलत है या फिर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो ठीक है तो अगर हमने हॉर्नर्स मेथड लगाया है मतलब एच की वैल्यू यहाँ पे निकाली है तो यहाँ पे सेकंड टर्म हमेशा जीरो बनेगी ताकि कार्डन मेथड की फॉर्म बन सके तो यहाँ पर एक्सक्वायर का कॉफिशेंट तो जीरो आ गया तो नई इक्वेशन क्या होगी ये वाई क्यूब का कॉफिशियंट ये वाई का कॉफिशियंट और ये कॉन्स्टेंट टर्म तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगी वाई क्यूब माइनस वन हंड्रेड एट वाई प्लस फोर थर्टी टू इज इक्वल्स टू जीरो वेयर y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच क्योंकि हमने बोला था कि हम रूट्स को डिमनिश कर रहे हैं बाई h तो हमने जो नई इक्वेशन बनाई है उसका x के साथ रिलेशन होगा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच एच की वैल्यू फाइव तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव तो दोबारा से फिर कार्डन मेथड अब हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कार्डन मेथड की फॉर्म बन चुकी है तो हम लेंगे कि लेक्ट y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी क्यूबिंग कर देंगे हमारे पास आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस थ्री यू वी वाई इन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे हमारे पास बन जाएगा वाई क्यूब माइनस थ्री यू वी वाई माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू जीरो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ही आई है इन दोनों को कम्पेयर करने से हमारे पास थ्री यू वी की वैल्यू आ जाएगी वन हंड्रेड एट और माइनस ऑफ यू क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर थर्टी टू यहाँ से यू वी की वैल्यू थर्टी सिक्स यानी कि यू क्यूब वी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स और यू क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू आई माइनस फोर थर्टी टू अब यू क्यूब और वी क्यूब के रूट्स हम कैसे लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस एस टी प्लस पी इक्वल्स टू जीरो तो सम की वैल्यू हमारे पास है माइनस फोर थर्टी टू तो हमारे पास और प्रोडक्ट की है फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस फोर थर्टी टू टी प्लस फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास टी की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो टी की वैल्यूज़ क्या होंगी यू क्यूब यू क्यूब और वी क्यूब की वैल्यूज़ सोल्व किया हमारे पास आया माइनस फोर थर्टी टू प्लस माइनस रूट ऑफ वन एट सिक्स सिक्स टू फोर माइनस वन एट सिक्स सिक्स टू फोर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा यानी कि एक बार ही हम माइनस फोर थर्टी टू प्लस जीरो लेंगे और एक बार ही माइनस फोर थर्टी टू माइनस जीरो लेंगे डिवाइड बाई टू वैसे ही चलेगा तो हमारे पास टी की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी सेम ही आई हैं टी की वैल्यू माइनस 216 आई है यानी कि u क्यूब की वैल्यू भी माइनस टू एंड v क्यूब की वैल्यू भी माइनस टू यहाँ से u और v की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स यू और v की वैल्यू माइनस सिक्स आ गई तो हमें पता है वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी हमने लिया था y की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेल्व लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाई थी x इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव क्योंकि हमने लिया था y माइनस एच तो so, एक्स की वैल्यू हमने ये ली थी मतलब एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस फाइव आ जाएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस सेवन आ जाएगी हॉर्नर्स मेथड लगाएंगे क्यों एक्स हमारे पास माइनस सेवन आया यानी कि एक रूट हमारे पास आ चुका है एक रूट जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी उसका एक रूट हमारे पास आ गया माइनस सेवन तो अब हम हॉर्नर्स मेथड लगाएंगे सेम वे हॉर्नर्स मेथड लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस सेवन वन कॉफिशियट्स लिखे वन माइनस फिफ्टीन माइनस थर्टी थ्री एंड एट फोर्टी सेवन वहाँ यहाँ पे हॉर्नर्स मेथड जब लगाएंगे जब हमने x के रूट्स निकालने होते हैं तो x वाली जो हमारे हमें क्वेश्चन में टर्म दी होती है इक्वेशन दी होती है उसी के रूट्स यहाँ पे लिखने होते हैं उसी के कॉफिशेंट्स यहाँ इंच यहाँ पे लिखने होते हैं जैसे वन माइनस फिफ्टीन माइनस थर्टी थ्री एंड एट फोर्टी सेवन उसके कॉफिशेंट यहाँ पे लिखेंगे एक रूट हमारे पास माइनस सेवन था तो माइनस सेवन से इसे

ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसके हमने जस्ट अब रूट्स निकालने हैं जिससे हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी एक्स की जब हमें दो वैल्यूज़ मिलगी तो एक वैल्यू तो हमारे पास गिव हमने निकाल ही ली माइनस सेवन बाकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास तीन रूट्स जो हैं वो क्यूबिक इक्वेशनस के आ जाएंगी सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की ये दो वैल्यूज़ आ गई इलेवन एंड इलेवन सो रूट्स ऑफ दैट गिवन इक्वेशन आर माइनस सेवन इलेवन एंड इलेवन ये तीन रूट्स आ गए हमारे पास क्यूबिक के क्वेश्चन के सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू